अब जैसे गंजन जाते मैं इधर पहुंचता हूँ, अब देखो जिस बंदे को मैंने सीढ़ी पर मारा ना, जो नॉक था वो मुझे बहुत ही लग रहा था, और उसके अलावा मैंने यहाँ पर दो बंदे मारे थे, तो मुझे लगा कि भाई दो बंदे और बचे होंगे, लेकिन यहाँ पर इस गाड़ी में दो से ज्यादा बंदे देखता हूँ ना, तब मुझे समझ में आता है कि भाई दो दो स्क्वाड्स थी यहाँ पर। अब जिस तरीके से उनका निपटान आया मतलब बिल्कुल मस्त। और लो भाई इसी के साथ तुम्हारे भाई ग्रेनेडर भी बन जाता है। अब खतरनाक वाला रोटेशन देखे इस वाले घर पे आया था, और खिड़की से देखना बंदे देखे वहीं सारे के सारे पेड़ के पीछे बैठ रहे थे, तो मैंने यहीं से एक नेट की पिन खींची और सीधा कुक करके फेंक देता हूँ मैं। अब तीन बंदे कुल मिलाकर डाउन थे, आखिरी बंदा मेरे जस्ट नीचे ही था। उसको निपटा देते हैं आसानी से, और इसी के साथ ये वाली गनमन मेरे को मिल जाती है उतरते साथ ही, और उसके बाद मैं बैठ के थोड़ा बहुत वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट कर रहा था, और तभी अब जैसे इसको निपटाता हूँ भाई मुझे फुटस्टेप आते हैं, मिनिमम नोटिस करना आपको भी दिखेंगे, तो एक और बंदा रश करता है इधर हमारे ऊपर। अब मेरे पास हीलिंग्स के नाम पे बस अभी तक ये 5 बैंडेजेस थे, तो भाई सवाल ही नहीं था फाइट लेने का, क्योंकि 5 बैंडेजेस भी लगने में टाइम लगने वाला था। खैर बैंडेजेस तो यहाँ पर मैं खड़े खड़े लगा लेता हूँ सारी की सारी। अब उसके बाद मैं देखो उस बंदे पे रश नहीं करता, क्योंकि देखो मुझे ज़्यादा ही फुटस्टेप आ रहे थे अब एक से, और वेस्ट भी नहीं थे मेरे पास, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो बंदे अब लूट करते करते इधर ही आने लगे थे। अब ये बंदे भाई सारे के सारे अचानक से ही रश कर जाते हैं, तो भाई थोड़ी बहुत मुश्किल तो इनको निपटाना तो आसान था ही, तो मेरे पास देखो नेट्स भी थे, तो मैं यहाँ से अगर ओपनिंग निकाल भी मतलब ओपनिंग भी निकालता तो आराम से निपटा सकता था इनको। तो पहला नेट को कर रखा था मैंने, मैं यहाँ पर वेट कर रहा था उनके खिड़की पे आने का, लेकिन वो बंदे आते नहीं तो भाई मेरे को कैंसिल करना पड़ता है, तो मैं सोचा कि चलो स्मोक करके क्लोज ही नहीं कर जाते, लेकिन तभी वो बंदे खिड़की पे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं फिर से नेट की पिन खींचता हूँ, और इस बार ट्राई करता हूँ कि भाई नॉक कर दूँ यार एक को, तो और जैसी ओपनिंग निकलती है मैं फटाफट से रश करता हूँ फुल जोश में, दूसरे नेट की पिन खींचता ही हूँ, तभी मेरे को किल फील्ड में दिखता है कि भी दो दो बंदे नॉक हो गए, तो मैं सीडो साइड फेंकते हुए नेट डैमेज जाता है बंदे को, तो देखो यही सही टाइम था, बंदे काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो चुके थे, तो मैं डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे घुस जाता हूँ। अब मुझे लगा चौथा बंदा भी होगा, लेकिन चौथा बंदा यहाँ पर होता नहीं, मैं यहाँ पर मतलब इन तीनों को फटाफट से खोज के फिनिश करता हूँ। अब देखो हमेशा जब मैं किसी दो या तीन बंदों को मार देता हूँ किसी टीम के, तो भाई उनका जो आखिरी बंदा होता है वो निकल लेता है मतलब फॉल बैक कर जाता है, लेकिन इस टीम का जो आखिरी बंदा था भाई वो अलग ही था, मतलब गाड़ी लेकर रश करता है मेरे ऊपर वो। तो इसको भी निपटाते हैं, और भाई इसी के साथ पूरी की पूरी स्क्वाड निपट जाती है, तो वापस से लूट को पूरी स्क्वाड गई, लेकिन अभी इधर एक और स्क्वाड आ चुके हैं, तो इससे पहले कि भी वो बंदे रश वश करते भाई मैंने फटाफट से यहाँ पर AWM उठा ली, जो कि मेरे को यूज़ कर नहीं दे साला मैच में, लेकिन मौका ही नहीं मिलने वाला।
खैर इधर मेरे ऊपर नेट पे नेट आ रहे थे और सामने वाले बंदे ने भी एक नेट कुक कर रखा था, तो मैं फटाफट से इधर कवर मारता हूँ और जो नीचे एक बंदा क्लोजिंग कर गया ना इसको लपेट दे सबसे पहले। वैसे देखा जाए तो भाई इस वाले बंदे के बाद टीम खत्म हो जानी चाहिए थी क्योंकि तीन ही थे इस वाली टीम में, लेकिन उस बंदे ने भाई मतलब नॉक होने से पहले जो जिसको मैंने सबसे पहले डाउन दिया था उसको रिवाइव कर दिया था, तो इससे पहले कि भाई वापस से वो दूसरे को रिवाइव करते भाई मैं फटाफट से रश कर देता हूँ। अब नॉक वाले को तो फिनिश कर देता लेकिन ये बंदा बच जाता है। और इसी के साथ ये वाली पूरी की पूरी बंदे मिलते हैं मुझे इधर। अब कुल मिलाकर तीन बंदे खत्म हो चुके थे इस वाले स्क्वाड के, एक बॉट को भी नॉक दिया था मैंने, लेकिन चौथा बंदा आता है दूर साइड ट्रिपल स्टोरी साइड और आके मेरे बॉट का किल चुराता है और ट्रिपल स्टोरी में जाकर बैठ जाता चुपचाप। अब बंदा स्पॉट हुआ मेरे को, कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत उसको मारने का लेकिन डैमेज ही जाता है बस। खैर दो दो नेट्स थे मेरे पास तो भाई इससे पहला बंदा हेल्थ वेल्थ मार पाता, मैंने यहाँ पर फटाफट से नेट की पिन खींची और सीधा फेंकता हूँ मैं कुक करके, लेकिन डैमेज नहीं आता इस वाले से। खैर वो बंदा भी छत वाली सीढ़ियों पर बैठा हुआ था तो मैंने एक हॉर्नेट की पिन खींची और जब मेरे को रियलाइज़ होता है तो भाई मैं सीधा वहीं पे फेंकता हूँ, लेकिन उतना भी परफेक्ट नहीं था ये नेट, तो दोनों नेट बर्बाद हो चुके थे मेरे, तो मैं अब डायरेक्ट घुस नहीं पा रहा था। एक दूसरी स्क्वाड से फाइट हो जाती है और मैं थोड़ा सा लेट पहुंचता हूं, इसी बीच एक स्क्वाड फिनिश हो जाती है पूरी, लेकिन अभी जो दूसरी स्क्वाड बची हुई थी वो पूरे के पूरे थे अभी चार, तो भाई अच्छे खासे किल्स कर सकता था मैं अभी। म्यूजिक तो मिलने वाला है तो बस एंजॉय करना। अब इस बंदे को मारते वक्त शुरू में मैंने सिंगल टैप्स दिए भाई, क्योंकि देखो शुरू में मेरे को M16 नहीं मिले, सिंगल बंदा भी था
अब इनको भी निपटा देते आराम से, और उसके बाद देखो एक और बंदे का वोट।